हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताना। होप करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों इस वक्त सुबह के 8 बज रहे हैं। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ खेत के लिए। तो आज मैं आपको दिखाऊँगा जो हमने पॉलीबैग प्लांट लगाए थे, जिसमें हमने ग्राफ्टिंग की थी, उसमें किस तरह की ग्रोथ है, क्या सिचुएशन है उसकी। तो उसका फीडबैक भी मैं आपको लेने जा रहा हूँ आज। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था एक वीडियो में कि हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे, जो भी हम प्लांट लगाते हैं उसके आगे क्या रिज़ल्ट रहते हैं उसके बारे में मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज बने रहना हमारी इस पूरी वीडियो में। और ये देखिए, हमारे बैक साइड में वो प्लांट है जो हमने पॉली बैग प्लांट लगाए थे, ये देखिए आप। तो आज मैं आपको इससे रूबरू करवाऊंगा कि वैसे तो आपको पता होगा शायद, जो मेरे पुराने व्यूअर हैं, कि हमने इसमें कौन सी वैरायटी लगाई थी। तो जो नए व्यूअर हैं उनको भी मैं बताऊंगा इसमें कौन सी वैरायटी हमने तैयार की है और कितनी सक्सेसफुल हुई हमारी ये इसमें जो प्लांटेशन की है हमने, कलमे की है। तो इसी साल हमने इसमें ग्राफ्टिंग करके, टेबल ग्राफ्टिंग करके इसमें पॉली बैग में प्लांट तैयार करे हैं। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए दोस्तों, ये है हमारे पॉली बैग प्लांट। तो इसमें आप देखिए, इसमें मुझे आज क्या करना है, इसमें करनी है मुझे गुड़ाई। तो इसमें आप देख सकते हैं ना, जो ये घास इसमें उगी हुई है ना, तो इसमें मुझे गुड़ाई करनी है आज पूरे जितने प्लांट है। तो हमने 190 प्लांट हमने फ्लैश गाला के तैयार किए हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने फ्लैश गाला की इसमें पूरी प्लांट हमने तैयार की है, जो इसमें हम प्लांटेशन करेंगे आगे। तो हम फ्लैश गाला पर काम कर रहे हैं। तो आप देखिए इसमें किस तरह का रिज़ल्ट है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ, इसकी ग्रोथ दिखा देता हूँ। अभी हमारे को कितना लगभग 1 महीने हुआ है हमारे को कलम करके। तो इसमें आप देखिए, इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम फ्लैश गाला के ऊपर काम किया है। तो ये देखिए, इसमें घास आपको दिख रही है ना, ये घास मुझे आज सारी निकालनी है गुड़ाई करके। तो मैं किस तरह से गुड़ाई करूँगा वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो बाकी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जो हमने प्लांट लगाए हैं उसका आपको रिज़ल्ट कैसा लगा। तो मेरे हिसाब से तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आप भी इसी तरह से तैयार कर सकते हैं, जो भी फार्मर है तो आप लोग भी इसी तरह से प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो आप भी ग्राफ्टिंग करें और उसमें थैलियाँ में मिट्टी भरकर इस तरह से तैयार करें। तो ये आप देखिए, ये लगभग इसकी जो ग्रोथ है, कुछ जगह में 1 फीट है, कुछ जगह में तो 6 इंच, कुछ जगह में 4 इंच है, ये देखिए। लेकिन आप देखिए, कुछ प्लांट में हमारी इस तरह की ग्रोथ भी है। तो लगभग हमारी ऑलमोस्ट मान के चले तो सक्सेसफुल हो चुके हैं हम इस तरह की प्लांटेशन में, तो इस तरह की नर्सरी तैयार करने में। तो आप भी तैयार कर सकते हैं। इसमें आपको पानी भी कम लगेगा, क्योंकि जो ये इस तरह के ब्लैक पॉली बैग होते हैं, इसमें आपका क्या होता है कि इससे जो हमारी सूर्य की किरणें होती है वो रिफ्लेक्ट करती है वापस। तो यदि आप वाइट कलर का लगाएंगे, अदर कलर का लगाएंगे, तो वो अंदर की तरफ ही जाएगी इसकी सूर्य की किरणें, लेकिन ब्लैक कलर के जो भी होते हैं उसे रिफ्लेक्ट होती है। तो ये देखिए, तो आप यहाँ पर और देख सकते हैं, ये देखिए। और ये हमारे हैं डार्क वेरन गाला, जो हमने 8-10 प्लांट यहाँ पर तैयार किए हैं, ये डार्क वेरन के हैं, और ये हमारे फ्लैश गाला है। तो कमेंट सेक्शन में दोस्तों आप ज़रूर बताएं हमारे ये प्लांट आपको किस तरह के लगे, और आपका जो हमने अपना तरीका अपनाया है हमने खुद से, तो वो आपको सही तरीका लगा या नहीं लगा, तो वो उसके बारे में आप ज़रूर बताएं। और आपके एरिया में किस तरह की ग्रोथ है, यदि आपने ज़मीन में भी लगाए हैं या पॉली बैग में किसी ने तैयार किया है, वो आप भी अपना फीडबैक ज़रूर दें हमें कि किस तरह की आपकी ग्रोथ रही है, अभी तक किस तरह की ग्रोथ चल रही है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसमें यहाँ पर करने जा रहे हैं गुड़ाई करेंगे आज इसमें। आप देखिए, गुड़ाई करने का काम हमारा अब शुरू होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने इसमें गुड़ाई करनी है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम अपने काम को। ये देखिए, इसमें आपको बहुत आसानी से आप इस तरह से गुड़ाई कर सकते हैं इसमें। ये देखिए, इस तरह से आप इसमें गुड़ाई करें और ये घास आप निकाल दें इसमें, और आप बहुत कम समय में इसमें गुड़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये जैसे हमने भी कर दिया, देखिए इसी तरह से आप इसमें
हल्का हल्का ऐसे जो ये घास है निकाल दें, क्योंकि इस तरह के जो थैली होती है उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होने की वजह से आपके पास घास इसमें जल्दी उग जाती है। इसमें देखिए प्रॉपर मॉइस्चर बना हुआ है, तो हम इसी तरह से करें। बाकी आप देखिए दोस्तों, आपके पास इस तरह की भी कुछ टहनियाँ निकली होगी जो हमारे कलमों से नीचे की तरफ होती है, इधर उधर की जो टहनियाँ होती है वो आप निकाल दें। ये देखिए इस तरह से निकाल दें और हमारी इसमें गुड़ाई हो चुकी है। आप सबसे पहले इस तरह से भी तरीका अपना सकते हैं, इसमें पहले घास निकालो इसे इस तरह से। तो अब हम इसमें कुछ दिनों के बाद हम इसमें खाद भी डालेंगे और हम इसमें स्प्रे भी करेंगे। वो कौन सी स्प्रे करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपको सिखा रहे हैं इसमें गुड़ाई करना, किस तरह से आप इसमें गुड़ाई करनी है। ये देखिए इस तरह से हल्के हल्के से आप इस पर गुड़ाई करें और इसमें जो घास है वो घास बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ग्रोथ ज़्यादा हमारे घास में निकल जाएगी और हमारे प्लांटेशन जो हमने प्लांटेशन की है उसमें ग्रोथ कम रह जाएगी। इसलिए देखिए आपको क्या करना है, इस तरह से हल्का सा गुड़ाई करके इसमें घास को निकाल देना है। ये देखिए इस तरह से आप प्रॉपर खाली करें और इधर जो टहनी होती है नीचे की तरफ जो ग्रोथ चलती है ग्राफ्टिंग किए गए प्लांटों में, हर प्लांट में इस तरह की ग्रोथ चलती रहती है, उसमें आप ज़रूर टहनी को निकाल दें। ये देखिए हल्का हल्का सा आप इस तरह से इसको हल्का सा करें मिट्टी को। ये देखिए तो आपको इसी तरह से करना है अपने खेतों में काम। तो चलिए अब हम आपको जब हम गुड़ाई करके कंप्लीट हो जाएगी हमारे, तो उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि हमने किस तरह से गुड़ाई की है। लेकिन छोटा सा मैंने आपको डेमो दिखाया कि आपको किस तरह से इसमें गुड़ाई करनी है। तो चलिए गुड़ाई ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद आपको फिर से प्लांट दिखाएंगे। पत्रियाँ तैयार कर सकते हैं। तो इस साल का मौसम सही रहेगा तो हम क्या करेंगे, इसकी प्लांटेशन अगस्त सितंबर के महीने में, इसकी प्लांटेशन हम अगस्त के महीने में कर लेंगे। ग्रोथ किस तरह की रहती है और मौसम किस तरह का रहता है इस साल, तो इसकी प्लांटेशन भी हम इस साल जल्दी करने वाले हैं। इसमें घास बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और ये ध्यान ज़रूर रखें आप, आपके खेतों में चारों तरफ से भी घास उग रही होगी उसको भी आप कट कर निकाल दें। ये देखिए क्योंकि इससे क्या होता है कि इधर उधर की घास से भी कीड़े लगने के ज़्यादा खतरे रहते हैं। घास बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इसमें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जितने भी हमारे यहाँ पर प्लांट लगे थे उसमें हमने सब में गुड़ाई कर दी है अच्छे से। तो आप यहाँ पर देखिए जो भी इसमें घास थी वो हमने प्रॉपर तरीके से यहाँ पर इसमें निकाल दी है। यहाँ पर देखिए सारा घास हमने अच्छे तरीके से निकाल दिया है और यहाँ से यहाँ तक देखिए आप, इधर देखिए यहाँ से आगे तक देखिए आप, तो सभी प्लांट हमने गुड़ाई करके कंप्लीट कर लिए है। तो ये आप भी कमेंट करके बताएं कि हमने किस तरह से गुड़ाई की है, अच्छी की है या नहीं की है, वो भी हमें ज़रूर बताएं। ये देखिए
तो आप देखिए मैंने आधे घंटे में पूरे यहाँ पर सारे प्लांट में गुड़ाई कर दी है। तो इसमें आपस में की बचत भी कर सकते हैं, साथ में आप इसमें थैलियों में प्लांट भी तैयार कर सकते हैं। तो आप भी इसी तरह से अपने खेतों में प्लांट तैयार करें। मैं अपनी तरफ से आपको यही सजेशन देना चाहूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। होप करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर लो, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों आप हमें ज़रूर बताएं आप कौन कौन सी वैरायटी में काम कर रहे हो। तो मैंने तो आपको दिखा दिया है मैंने कौन सी वैरायटी में काम कर किया है और कौन कौन से प्लांट लगाए हैं पॉली बैग में। आप भी इसी तरह से पॉली बैग में प्लांट लगाएं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब दबा के करो और हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम में हमें ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर दोस्तों।